हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ सीढ़ियों पर मार्बल कैसे लगाएं वीडियो पार्ट टू में। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पे हमारी ये दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में हमने आपको बताया था स्टेप कैसे काटें, स्टेप पे डबल मोल्डिंग कैसे चिपकाएं और स्टेप डबल मोल्डिंग की ग्रेनाइट पॉलिश कैसे करें। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो सीढ़ी लगाते समय मेन बात जो होती है वो रेजर कटिंग की होती है। अगर आपकी रेजर कटिंग की पैमाइश बिल्कुल सही है तो बिल्कुल आपकी सीढ़ी बिल्कुल सही जाएगी, आपके सारे अड्डे बिल्कुल इक्वल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रेजर कटिंग करने के लिए पैमाइश कैसे करनी चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ भी आपको रेजर कटिंग करने से पहले क्या करना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी सीढ़ी लग चुकी है। तो ये सीढ़ी लगाने से पहले दोस्तों ये ऊपर आप देख सकते होंगे धागे का नीला निशान है, ये हमने सबसे पहले इसका वाटर लेवल किया है, देख सकते हैं वहाँ तक वाटर लेवल कर रखा है। तो दोस्तों ये एक बेस हमारे पास ये नीचे आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेके इस वाटर लेवल तक इसकी पैमाइश करनी है। दोस्तों आप ये देख सकते हो 89 इंच है, पर हमें यहाँ पर इसे इंच में नहीं लेना है, हमें यहाँ पर इसे सेंटीमीटर में लेना है, जो कि आप देख सकते हो 225 सेंटीमीटर है ये हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी हाइट होगी 225 सेंटीमीटर। तो अब इसे आपको एक जगह यहाँ लिख देना है 225 सेंटीमीटर। तो अब आपको ऊपर की पैमाइश करनी है, तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर। आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने लास्ट इसका बेस जो बनाया है वो ये है, जो कि दोस्तों यहाँ से हमारा 14 सेंटीमीटर पे है। हमने जो लास्ट का स्टेप है वो 14 वाटर लेवल से 14 सेंटीमीटर पर तैयार करना है। तो दोस्तों चलिए, आपको वो 14 सेंटीमीटर भी यहाँ पर लिख लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों आपके जो स्टेप हैं वो है 11। तो दोस्तों आपको 225 में से पहले तो ये सबसे पहले 14 माइनस करने हैं, 1 1। तो दोस्तों ये आपका 211 सेंटीमीटर एरिया बनता है। तो 211 को आपको 11 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों ये आपका आता है 19.1 सेंटीमीटर। तो आपका जो एक स्टेप है वो तैयार होगा 19.1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टेप की मोल्डिंग है वो डबल है या सिंगल है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डबल स्टेप लगा रखा है, डबल मोल्डिंग लगा रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है पॉज करेंगे। तो दोस्तों आपको दो पत्थरों की पैमाइश करनी है, जैसे कि मान लीजिए ये स्टेप है और ये नीचे आपने पट्टी चिपका रखी है, तो ये आपकी पैमाइश बनती है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से आपको 3.5 डबल मोल्डिंग के लिए माइनस कर देने हैं, जो कि आपके बनते हैं 15.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं आपका जो रेजर है वो 15.5 सेंटीमीटर का कटेगा, तो जिससे क्या होगा आपके सभी स्टेप इक्वल आएंगे। ये आप हमारी लगाई हुई सीढ़ी देख भी सकते हैं, इसमें आप कोई सा भी स्टेप नाप सकते हैं, सारे के सारे 19.1 सेंटीमीटर पर तैयार हैं, कोई भी स्टेप छोटा या बड़ा नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हम ऊपर वाला सीढ़ी का स्टेप लगा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने वाटर लेवल किया हुआ है, वाटर लेवल करने के बाद इसकी पैमाइश निकाली हुई है और ये भी सारे अड्डे हमारे इक्वल जाएंगे। तो दोस्तों सीढ़ी लगाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये जैसे हमने सूत बांध रखा है, तो इसके लिए हमने पहले सीढ़ी का गुनिया किया है, गुनिया करने के बाद इस सूत को बांधा है ताकि हमारी सीढ़ी इधर या उधर ना भागे।
तो दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Time is barely on our side.